पंजाब के 8 जिलों में आज दोबारा पंचायत चुनाव के चलते वोट डालने की प्रक्रिया सुबह से ही सख्त सुरक्षा में शुरू हो गई। 30 दिसंबर को पंजाब के अलग अलग जगह पर हुई गड़बड़ी के चलते 14 बूथों पर दोबारा वोटिंग हो रही है। अमृतसर के हल्का अटारी के अधीन आते गांव वडाला बिटेविंड में कांग्रेस के 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों ही उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और सुबह से शांतमय ढंग से चल रही वोटिंग में दोपहर में हेराफेरी का मामला सामने आया। यहाँ पर एक महिला वोट डालने आई तो उसको पता चला कि उसकी वोट पहले से कोई डाल गया है, जिसके चलते माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया, लेकिन प्रशासन के दखल से माहौल शांत करवाया गया। उधर अमृतसर के गांव वडाला पिटेवंड में वोटरों की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं और जब वोटर द्वारा वोट डालने का समय आया तो वोट डालने लगे तो वहां के पोलिंग एजेंट ने कहा कि आपकी वोट पड़ चुकी है। वहीं लोगों ने प्रशासन से मांग की कि ऐसे फर्जी वोट डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस तरह उन्होंने कहा भी तेरी वोट पै चुकी है, भी दो बारी वोट पै गई है। मैं नहीं, मैं वोट पाई नहीं तो मेरी वोट किस तरह पै चुकी है। किन्ना ने गया तुम जली पवाई सी और जो जो बंदा साडा जांदा सी वोट पाउण वास्ते ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਏ ਵੋਟਰ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਕੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਗਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੋੜਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਅਤੇ 10 ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪੈ ਚੁੱਕੀ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ? ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਜਾਲੀ ਪਵਾ ਪਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਾਗਤੀ ਲਹਿਰ ਕਰੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਅਮਨ ਮਾਹਲ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।